हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हमारे पास है इन्फिनिक्स हॉट 10। आज इस वीडियो में इन्फिनिक्स हॉट 10 में टॉप 50 प्लस हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपके पास एफोन है या आप एफोन बाय करने के लिए जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो देखने के बाद आपके फोन को आसानी से यूज कर पाओगे। सबसे पहला जो फीचर्स है, किसी भी ऐप पर आप टैप करके रखिए। मैं यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर टैप करके रखा हूँ। आप यूट्यूब के अंदर ना जाके डायरेक्टली ये सारे शॉर्टकट में बहुत आसानी से जा पाओगे। होम स्क्रीन में राइट साइड से स्वाइप करके होल्ड करके रखोगे, एक स्लाइड बार खुल के आएगा। यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट है, स्क्रीन शॉट, लॉक स्क्रीन, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यहाँ पे बहुत सारे ऐप भी है। एडिट में क्लिक करने के बाद दोस्तों बहुत सारे शॉर्टकट या ऐप को आप यहाँ पे ऐड भी कर पाओगे। यहाँ पे बी लाइन है तो सब कुछ दोस्तों बहुत आसानी से ऐड कर पाओगे प्लस में क्लिक करने के बाद। नोटिफिकेशन सेंटर में चलिए। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो मेरा अभी वाईफाई इनेबल है और वाईफाई के साथ साथ दोस्तों आप हॉटस्पॉट को भी इनेबल कर पाओगे। मान लो दोस्तों आपके पास आपके फ्रेंड है और उसको दोस्तों इस वाईफाई का पासवर्ड पता नहीं है, लेकिन दोस्तों आप हॉटस्पॉट को इनेबल करने के बाद उस फोन के साथ कनेक्ट करके इस वाईफाई का जो इंटरनेट है वो एक्सेस कर पाओगे। हुई ना कमाल का फीचर। स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल करने के बाद दोस्तों आपके फोन का जो स्क्रीन है वो थर्ड पार्टी किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप में बहुत आसानी से कास्ट कर पाओगे। नोटिफिकेशन सेंटर में दोस्तों फ्लैश लाइट का एक शॉर्टकट मिलता है। इस फ्लैश लाइट के ऊपर आप टैप करके रखोगे, तीन ऑप्शन आएगा। फ्रंट फ्लैश में क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पे फ्रंट में ड्यूअल फ्लैश दिया है, आपके हिसाब से दोस्तों इसको इनेबल कर पाओगे। और यहाँ पे 360 फ्लैश भी दिया है, यानी कि दोस्तों फ्रंट और बैक साइड दोस्तों एक साथ दोस्तों फ्लैश जलेगा। यहाँ पे दोस्तों व्हाट्सएप मोड दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना दोस्तों। इसको इनेबल करने के बाद जब आप इंटरनेट एक्सेस करोगे सिर्फ दोस्तों जो व्हाट्सएप है वो इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा, अदर्स दोस्तों किसी भी ऐप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक दोस्तों व्हाट्सएप मोड इनेबल रहेगा। यहाँ पे दोस्तों वन हैंड मोड दिया है, इसको इनेबल करने के बाद दोस्तों छोटा विंडो हो जाएगा और एक हाथों में आप आसानी से यूज कर पाओगे, क्योंकि दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये थोड़ा बड़ा है, तो ये फीचर्स बहुत अच्छा फीचर्स है जो सारे लोगों का हाथ छोटा है। इस साइड में टैप करने के बाद दोस्तों इस साइड में आ जाता है और यहाँ पे क्रॉस में टैप कर दीजिए और वो डिसेबल हो जाएगा। बाइक मोड दिखाई देगा, इसको इनेबल करने के बाद दोस्तों आपके फोन में कॉल मैसेजेस वगैरह आपके हिसाब से आप मैनेज भी कर पाओगे। किसी भी बंदा अगर आपको कॉल कर रहा है तो उसको काट कर पाओगे या साइलेंट या कुछ भी कर पाओगे आपके हिसाब से। होम स्क्रीन में अगर आप ऊपर से स्वाइप करते हो ग्लोबल सर्च खुल के आता है। यहाँ पे दोस्तों आप कुछ भी सर्च कर पाओगे, लेकिन दोस्तों इंटरनेट के अलावा दोस्तों आपके फोन में मैसेजेस वगैरह या दोस्तों कॉल वगैरह, फोटो वगैरह यहाँ पे आके सर्च करना, सब कुछ दोस्तों यहाँ पे दिखाई देगा। होम स्क्रीन में अगर आप दो फिंगर से पिंच करोगे नीचे की तरफ दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन खुल के आएगा। वॉलपेपर तो आप सभी लोगों को पता है। विजेट्स में जाने के बाद दोस्तों तरह तरह की शॉर्टकट है, आपको जो शॉर्टकट पसंद है दोस्तों टैप कर दीजिए और वो होम स्क्रीन में आ जाएगा। होम स्क्रीन के मेनू में जाओगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाएगा। जेस्चर्स सेटिंग, जेस्चर्स की मदद से दोस्तों आपके स्क्रीन को आप मैनेज भी कर पाओगे। जैसे कि दोस्तों स्लाइड अप करोगे तो लॉन्चर खुल जाएगा, यहाँ पे दोस्तों स्लाइड डाउन विथ टू फिंगर करोगे तो वॉइस सर्च हो जाएगा, तो आपके हिसाब से दोस्तों ये सब कुछ आप मैनेज कर लेना। दोस्तों यहाँ पे किसी भी फोल्डर में आप ऐप ओपन करते हो तो बैकग्राउंड दोस्तों ब्लर नहीं होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेनू में जाने के बाद अदर्स सेटिंग में चलिए और इस ब्लर को दोस्तों इनेबल कर दीजिए। अभी दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, अभी दोस्तों बैकग्राउंड ब्लर हो गया है। अभी चलिए दोस्तों सेटिंग में भर के फीचर्स देखने को मिलता है। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में चलिए दोस्तों, यहाँ पे आई केयर का ऑप्शन दिखाई देगा। बेसिकली दोस्तों ये नाइट मोड जैसा ही है, इसको मैं रातों में ज्यादातर यूज करता हूँ। आपके हिसाब से इसका जो ब्राइटनेस है वो आप एडजस्ट कर पाओगे और यहाँ पे शेड्यूल भी कर पाओगे आपके हिसाब से। डार्क मोड का ऑप्शन भी दिखाई देगा, यहाँ पे दोस्तों आप डार्क मोड को इनेबल कर पाओगे। अगर आप डार्क मोड को इनेबल करोगे तो आपके फोन का जो थीम है वो बिल्कुल डार्क हो जाएगा। चाहे आप क्रोम में चलिए या कहीं भी चलिए दोस्तों, आप कॉलिंग में चलिए, सब कुछ दोस्तों डार्क हो जाएगा। यहाँ पे जो फ्रंट साइज है आपके हिसाब से दोस्तों आप यहाँ पे लार्ज भी कर पाओगे। बहुत सारे लोगों को दोस्तों छोटे छोटे वार्ड दिखाई नहीं देता है, तो उन लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पे लार्ज करके जरूर रखना। स्टेटस बार नेटवर्क स्पीड डिस्प्ले, इसको इनेबल कर देना दोस्तों जब आप इंटरनेट एक्सेस करोगे। यहाँ पे आपको
दिखाई देगा कि कितना स्पीड दे रहा है। लॉक स्क्रीन डिस्प्ले में चलिए दोस्तों, यहाँ पे लॉक स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों शो ऑल नोटिफिकेशन सेंटर, अगर आप लॉक स्क्रीन में ऑल नोटिफिकेशन दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन करके रखना, वरना दोस्तों डू नॉट शो करके रख सकते हो, कुछ भी नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन में नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे स्टोरेज में जाओगे दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई देगा रैम में कितना जीबी फ्री है या इंटरनल में कितना जीबी फ्री है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा फीचर्स दिया है। सिक्योरिटी में चलिए दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद दोस्तों फिंगरप्रिंट में चलिए, पासवर्ड डालिए दोस्तों। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आप फिंगरप्रिंट के मदद से दोस्तों कुछ भी कर पाओगे, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक्सेप्ट कॉल कर पाओगे, यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग कर पाओगे या डिसमिस अलार्म भी कर पाओगे। सिक्योरिटी में दोस्तों ऐप लॉक का ऑप्शन भी दिखाई देता है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको पासवर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक आंसर देना पड़ेगा, उसके बाद बहुत आसानी से दोस्तों ऐप को आप लॉक कर पाओगे पासवर्ड के या फिंगरप्रिंट के मदद से। सिक्योरिटी में दोस्तों यहाँ पे फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन भी दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ पे जो वेबसाइट है, यहाँ पे जाने के बाद आपके फोन में जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी के जरिए दोस्तों यहाँ पे साइन इन करके रख देना। मान लो दोस्तों आपके फोन गुम हो जाता है तो इस वेबसाइट में जाके उस ईमेल आईडी के जरिए आपके फोन को बहुत आसानी से ढूंढ पाओगे। सिस्टम नेविगेशन में जाओगे, यहाँ पे दोस्तों जेस्चर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से दोस्तों अगर आप स्वाइप करोगे तो होम स्क्रीन में चले आओगे, यहाँ पे एग्जिट ट्यूटोरियल दिखा रहा है, तो अगर आप स्वाइप करोगे तो होम स्क्रीन में चले आओगे, स्वाइप करके होल्ड करके रखोगे तो रिसेंट मेनू में आ जाओगे, अगर आप साइड से स्वाइप करोगे तो बैक हो जाएगा। स्मार्ट असिस्टेंट में चलिए, यहाँ पे स्मार्ट पैनल दिखाई देगा। दोस्तों स्मार्ट पैनल में आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पे एक्शन एंड जेस्चर्स दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट है, जैसे कि दोस्तों थ्री फिंगर से आप स्क्रीनशॉट भी ले पाओगे, इस तरह अगर थ्री फिंगर करोगे तो दोस्तों यहाँ पे ट्यूटोरियल दिखा रहा है और स्क्रीनशॉट हो गया है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप स्क्रॉल करोगे तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट होगा, लेकिन दोस्तों मेरा अभी लॉन्ग पेज नहीं है इसीलिए दोस्तों यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। रेस टू एयर मतलब दोस्तों किसी भी बंदा अगर आपको कॉल कर रहा है तो आप कान के पास लेकर आ जाइए, ऑटोमेटिकली दोस्तों कॉल जो है वो रिसीव हो जाएगा। फ्लिप म्यूट, किसी भी बंदा अगर आपको कॉल कर रहा है तो इस तरह दोस्तों फ्लिप कर दीजिए और म्यूट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ट्यूटोरियल भी दिखा रहा है। म्यूजिक जेस्चर्स वगैरह, आंसर कॉल विद अ जेस्चर्स, बहुत कुछ है। डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन वगैरह सब कुछ यहाँ पे है, तो एक एक करके यहाँ पे देख लेना। और दोस्तों ये था इन्फिनिक्स हॉट 10 का टॉप 50 प्लस हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक हमारे साथ बोलते रहिए भारत माता की जय।